Hello everyone, welcome to Abhimanyu IS. Hope you are fine and doing well. And as we know, we are moving towards the final stage of the prelims examination 2023. Or it's we are left with somewhere around 18 days. ठीक है, 18वें दिन में 28 मई को आपका पेपर है यूपीएससी प्रीलिम्स की. और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी से चल रही हो, बहुत जोर शोर से चल रही हो. और आज एक मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ अभिमन्यु आईएएस की तरफ से, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल फॉर द एस्पायरेंट्स हु वुड बी अपीयरिंग इन 2023. और क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, इट इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन टू क्रैक प्रॉब्लम्स, बिकॉज जो भी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ, इट इज़ रिलेटेड टू द टेस्ट सीरीज ऑफ अभिमन्यु आईएएस. और ये जो हमारा एक प्लेटफॉर्म है और हमने कुछ नई चीज़ें ईजाद की हुई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर इस वीडियो को एक बार देखें और जो एनालिसिस, जो ओरिएंटेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, उसे आप अच्छी तरह से देखें और समझने की कोशिश करें कि आपको ये किस हद तक बेनिफिशियल आपके लिए हो सकता है प्रीलिम्स को क्लियर करने में. ठीक है, नाउ इज़ द टाइम बेसिकली टू लूज आउट योर स्ट्रेस एंड जस्ट टू प्रैक्टिस MCQs. ठीक है, वी आर लेफ्ट विथ मोर देन 2 वीक्स, और ये 2 हफ्ते में हम क्या कर सकते हैं, वी जस्ट नीड टू रिवाइज एंड लूज आउट द स्ट्रेस ऑफ द बुक्स. किताबों को दूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा MCQs को प्रैक्टिस करना है ताकि एक ओरिएंटेशन डेवलप हो जाए. यहाँ पे बहुत सारे जो एस्पायरेंट्स हैं, बेसिकली दे फॉलो, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी दे फॉलो, इतनी मेहनत करते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं, बट कोई टेस्ट सीरीज नहीं अवेल करते. ठीक है, तो टेस्ट सीरीज प्लेज द मोस्ट वाइटल रोल ड्यूरिंग द फाइनल काउंटडाउन डेज ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. उससे ही आपका सारा ओरिएंटेशन और अटेम्प्ट की ओरिएंटेशन और आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी और आपका स्ट्रेस स्टिमुलेशन, ये सब कुछ उसी से ही मैनेज होगा. ठीक है, और साथ ही साथ मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इट इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन टू क्रैक प्रॉब्लम्स. व्हाई? बिकॉज इस पे हमारा एक फंक्शन है जिससे आप अपनी तैयारी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों को एनालाइज कर सकते हैं. एट द मोमेंट यू आर एबल टू डिराइव द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ योर प्रिपरेशन, यू वुड बी गोइंग टू बेसिकली वर्क ऑन द ग्रे एरियाज ऑफ योर प्रिपरेशन, ग्रे एरियाज ऑफ दोज टॉपिक और कंटेंट, और फिर उस पर काम करोगे तो फिर आपका जो नंबर शायद है, आप यू आर समवेयर स्टैंडिंग अराउंड 70, 80, 60, 70, 70, 80 नंबर आ रहे हैं, तो आप जैसे ही अपने वीकनेस एरिया से काम करते हो, आप 100 नंबर्स, यू विल बी इजिली एबल टू स्कोर 110, 120 इन द टेस्ट सीरीज. ठीक है, और ये जो टेस्ट सीरीज हमारी है, इट इज़ अ वेरी क्वालिटेटिव टेस्ट सीरीज मेड बाई द एक्सपर्ट्स. ठीक है, हाईली एक्सपर्ट फैकल्टीज, और टेस्ट सीरीज इज डिजाइंड फॉर दोज पीपल हु हैव बीन बेसिकली लैगिंग बिहाइंड इन 60-70 मार्क्स, वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, दे आर स्ट्रगलिंग. तो इसलिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि वो अपने ग्रे एरिया से फोकस नहीं कर पा रहे, और उनको ये पता ही नहीं चल रहा है कि उनके ग्रे एरिया या उनके टॉपिक्स कौन से हैं जो कमज़ोर है, जिस पे मेहनत करने की और ज़्यादा MCQ सॉल्व करने की ज़रूरत है. ठीक है, तो मैं वो फंक्शन आपको बताने वाला हूँ कि इस टेस्ट सीरीज से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है अगर आप ये टेस्ट सीरीज अवेल करते हो. इस टेस्ट सीरीज की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डली हुई है. ठीक है, द मोमेंट यू अवेल दिस टेस्ट सीरीज, उसके बाद आपकी जो अटेम्प्ट की ओरिएंटेशन है वो सामने आ जाती है. सपोज फॉर एग्जाम्पल, आपने एक टेस्ट यहाँ पे दिया, यहाँ पे टोटल इस टेस्ट सीरीज के अंदर टोटल यू बी गेटिंग मोर देन 3000 क्वेश्चंस, और इस तरह से ये कॉम्प्रिहेंसिवली टेस्ट सीरीज बनाई गई है कि आपके सारे टॉपिक्स को वो कवर करता है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताता है कि आपके कौन से एरियाज वीक हैं और कौन से स्ट्रेंथ आपकी स्ट्रांग है, जहाँ पे आपको कम काम करने की जरूरत है और कहाँ पे आपको ज़्यादा काम करने की जरूरत है. जब आपको ये पता चल जाता है तो हाफ द बैटल इज़ वन. ठीक है, तो अब ये कैसे है, सपोज आपने एक टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद आपके नंबर आए जो भी आए. ठीक है, उसके बाद आपके पास एक एनालिसिस का बटन आता है टेस्ट सीरीज में. द मोमेंट यू हिट ऑन द एनालिसिस बटन, आपको आपके पूरे सब्जेक्ट्स की एनालिसिस मिल जाती है. क्या एनालिसिस? द ग्रॉस एनालिसिस. अब आपके अटेम्प्ट क्या थे, आपने 60 क्वेश्चन सही किए थे, गलत क्वेश्चन आपके 23 थे. ठीक है, और एवरेज करेक्ट जो होना चाहिए था इस पेपर में वो 44 क्वेश्चन करेक्ट होने थे, और एवरेज जो मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकते थे इस टेस्ट में 20 कर सकते थे. ठीक है, तो ये एक ग्रॉस एनालिसिस आपको दिया है परफॉर्मेंस की. अब देखते हैं कि आपके अटेम्प्ट ओरिएंटेशन के एनालिसिस, आपके क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन के एनालिसिस, कि कितने क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए थे, कितने टफर थे जो आपको और मेहनत करने की जरूरत है, वो यहाँ पे देखिए. क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन एनालिसिस, टोटल शुड नो क्वेश्चन जो हैं वो आपके 24 है, जिसमें से आपने करेक्ट किया है 20, 2 आपने गलत किया है और 2 आपने छोड़ दिया है जो कि आपको मालूम होने चाहिए थे. ठीक है, यूपीएससी के अंदर जब हम प्रिपेयर करते हैं तो एक लेवल होता है, लेवल ऑफ अ क्वेश्चन, सपोज लेवल 1 का है, लेवल 2 का है, लेवल 3 का है, तो लेवल 1 वाले क्वेश्चन है या लेवल 2 वाले क्वेश्चन हैं जो आपको मालूम होने चाहिए, वहाँ पे आप यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दोज क्वेश्चन. तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है
कि दो क्वेश्चन इन्होंने गलत कर दिया है, दो छोड़ दिया, मे बी काइंड ऑफ सिली मिस्टेक है या जो भी है। ये खासियत इस टेस्ट सीरीज की यही है कि एनालिसिस, आपके परफॉर्मेंस की एनालिसिस, ठीक है। दूसरा, वर्क हार्डर टू नो, 55 क्वेश्चन थे उनमें से आपने 29 करेक्ट किया है, रॉन्ग 15 है और आपने 11 छोड़ दिया है, जो क्वेश्चन के लेवल समझ लो कि हाँ आप मेहनत करनी पड़ेगी आपको जानने के लिए ज़्यादा, ठीक है। तो उनमें से इन्होंने 29 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, 15 इनके गलत हुए हैं और 11 इन्होंने छोड़ दिया है। 18 क्वेश्चन ऐसे थे जो उनको शायद छोड़ना चाहिए था या उनको मालूम नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपने फर्स्ट बार सुना है या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं या कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो आपको नहीं मालूम है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं तो उन क्वेश्चन को छोड़ना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन 18 थे, उन्होंने 18 है, उन्होंने 10 करेक्ट किया है, चार गलत किया है और चार छोड़ दिया है। मतलब इनकी जो एनालिटिकल एबिलिटी थी, जो गैस वर्क करके इन्होंने किया, इनका गैस वर्क इससे पता चल रहा है कि हाँ जो ये गैस कर रहे हैं वो लगभग कहीं ना कहीं सही जा रहा है, क्योंकि 18 में से 10 क्वेश्चन इन्होंने सही कर दिया इस कैटेगरी वाले क्वेश्चन को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम कंटेंट एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। जनरल स्टैटिक क्वेश्चन 100 करेक्ट, 61 है, 22 इनकी गलत हुए हैं, 17 इन्होंने छोड़ दिया है। अब सब्जेक्ट वाइज, ये हिस्ट्री का पेपर है, एंशियंट मेडिवल हिस्ट्री का है, तो टॉपिक वाइज कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन किए गए हैं, इन्होंने कितने अटेम्प्ट करे हैं टोटल, कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं टॉपिक वाइज, वो भी यहाँ पे मेंशन है, ताकि आप इंडिविजुअल एक एक टॉपिक को प्रिपेयर कर पाओ। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड से 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें इनके 9 गलत हुए हैं, 3 इन्होंने छोड़ दिया है, 3 इन्होंने गलत किया है, 4 इन्होंने छोड़ दिया है। तो एक ये हो गया, यहाँ पे कुछ पार्ट है जहाँ पे उनको मेहनत थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जहाँ पे जिन्होंने 21 में से आउट ऑफ 21 क्वेश्चन इन्होंने 6 गलत किए हैं, 13 सही है, 6 गलत है और 2 इन्होंने छोड़ दिया है। तो 6 गलत है मीन्स ये थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने गलत किया, मतलब ये टॉपिक के अंदर इनको थोड़ी सी लुक अराउंड या रिविजन की ज़रूरत है। तो अब जैसे ही यहाँ पे पहुँचते हो, यहाँ पे एक लर्न मोर का बटन है, जो टॉपिक आपने को लग रहा है कि हाँ यहाँ पे थोड़ी मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है, जो कि ये एनालिसिस बता रहा है, आपने लर्न मोर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लर्न मोर पे क्लिक करते हो आप देखिए उसी टॉपिक पे पहुँच जाते हो जहाँ पे क्वेश्चंस आपने गलत किए हुए हैं, और यहाँ पे उससे रिलेटेड 7 लेक्चर्स, नोट्स, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करने के लिए, इशू एनालिसिस साथ में रिलेटेड इतने सारे कंटेंट आपको मिलेंगे, जहाँ से उस टॉपिक को आप और कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर सकते हो। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टेस्ट सीरीज, कि इट विल हेल्प यू आउट इन फाइंडिंग आउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ योर टॉपिक्स। और जैसे ही आपको पता चलता है यहाँ से गलती मेरी ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पे उस टॉपिक को वहीं पे देन एंड देयर विजिट करके आप इसे आराम से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। दैट इज द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन टू क्रैक प्रीलिम्स। अगर द मोमेंट वी कम टू नो द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पर्टिकुलर टॉपिक, हम उसे तैयार कर लेंगे। और इन बीच 2 हफ्तों के अंदर अगर आप ये कर पाते हो इस टेस्ट सीरीज के थ्रू, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सक्सीड, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द इन्फॉर्मेशन दैट आई वॉन्टेड टू गिव टू यू इन द लास्ट डेज ऑफ आर प्रिपरेशन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, स्टे फोकस्ड, हैव फुल फेथ इन योरसेल्फ, ठीक है, स्टे मोटिवेटेड, स्टे काम एंड गिव इट योर बेस्ट शॉट। आपने पढ़ रखा है, आपने तैयारी कर रखी है, आपने मेहनत की है, बस आपको थोड़ा सा अपने कमज़ोर एरिया पे थोड़ा फोकस करना है, जो कि आपको इस टेस्ट सीरीज से हो जाएगा, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सक्सीड इन द प्रीलिम्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज, थैंक यू।